जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो फिर उस बॉडी का मोशन कैसा है उसे समझने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है जो कि होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हुए जो है हम किसी बॉडी के मोशन को बता सकते हैं कि उसका मोशन कैसा है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है ये वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। सो यहां पर ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को और वहीं पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो मान लें कि एक ग्राफ प्लॉट है, ग्राफ जो है कुछ ऐसा प्लॉट है, ये जो टाइम एक्सिस है इसी के अलोंग जो है यहां पर कुछ ऐसे प्लॉटेड है। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड हो इसी टाइम एक्सिस के अलोंग तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें क्या इंडिकेट करता है। देखिए तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हमने इनिशियली ऑब्जर्व किया तो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यहां पर देखिए यहां पर क्या शो कर रहा है, ये 0 मीटर पर सेकंड को शो कर रहा है यहां पर। सो वेलोसिटी यहां पर 0 है। फिर अगर हम कुछ समय बाद देखते हैं तो भी वेलोसिटी जो है वो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो 0 है, दैट मीन ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। आप इसके मोशन को देखना चाहेंगे, चलिए मान ले कि यहां पर ये जो है ये पोजीशन एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, ये पोजीशन एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये मान ले कि ये है रेफरेंस पॉइंट, यहां पर ये है 1, यहां पर ये 2 को मार्किंग किया जा रहा है, यहां पर ये 3 को मार्किंग कर रहा है, यहां पर ये 4 और यहां पर ये 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहां पर इस साइड ये होगा -1, सो यहां पर ये होगा -2 और यहां पर ये होगा -3 एंड सो ऑन। तो अगर हमने इनिशियली ऑब्जर्व किया तो बॉडी मान ले कि बॉडी यहां पर है यहां पर और इसका वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। तो अगर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, हम 1 सेकंड बाद देखते हैं तो भी 0 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड बाद देखें तो भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। दैट मीन ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी 0 है। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइम एक्सिस के ही अलोंग हो कुछ इस तरह से तो ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है। सो बॉडी रेस्ट में है अर्थात यहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा इस केस में ये वेलोसिटी जो है ये 0 होगा। तो अगर वेलोसिटी 0 हो तो फिर एक्सीलरेशन का क्या होगा, तो यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा यह भी 0 होगा। अब अगर ये जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है यहां पर कुछ ऐसे प्लॉटेड है, वो यहां पर प्लॉटेड हो कुछ इस तरह से, ये टाइम एक्सिस के साथ जो है ये पैरेलल है, यहां पर टाइम एक्सिस के अलोंग नहीं है बल्कि यहां पर देखें तो ये पैरेलल है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इस केस में 0 नहीं है, ये नॉन 0 होगा। अगर यहां पर देखें जब इनिशियली ऑब्जर्व किया आपने तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का, चलिए वेलोसिटी अगर यहां पर कुछ इतना है, यहां पर है, अगर एग्जांपल के तौर पे मान ले कि जो वेलोसिटी है अगर यहां पर मान लेते हैं, अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर वेलोसिटी जो है ये यह है यहां पर वेलोसिटी वी, चलिए कंसिडर कर लेते हैं v1 मान लेते हैं बेहतर होगा, चलिए v1 मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी है, तो V1 यहां पर ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो फिर अगर कुछ देर बाद देखेंगे तो यहां पर अभी भी वेलोसिटी उसका उतना ही होगा V1, फिर कुछ देर बाद आप देखते हैं तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही है। सो वेलोसिटी जो है हम कह सकते हैं कि वो सेम है, मतलब ये है कि ये आगे तो बढ़ रहा है, ये जो बॉडी है ये आगे तो कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, यहां पर ये बॉडी कुछ इस तरह से यहां पर आगे तो बढ़ रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो और ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो फिर यहां पर वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यहां पर जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट होगा। सो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये ध्यान में रखें। ये पॉजिटिव साइन हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और इस एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं तो
तो फिर ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी तो v1 है, ये कांस्टेंट है, और ये इसी v1 वेलोसिटी से जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये निगेटिव होता, अगर ये निगेटिव होता तो फिर हम जो है उसे यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसे हम इस एक्सिस को यहां पर नीचे की तरफ जो होता है इसे हम निगेटिव वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और ये बॉडी जो है ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करता तो फिर हम जो है इसे जो है इस एक्सिस में इस निगेटिव वेलोसिटी में यहां पर प्लॉट करते। तो इस तरह से यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये कॉन्स्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन का क्या होगा? तो यहां पर इस केस में ये जो एक्सेलरेशन होगा ये यहां पर जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। अब यहां पर ये पहला केस और ये जो दूसरा केस है इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि भले ही एक्सेलरेशन दोनों ही केस में जीरो है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस केस में वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इस केस में वेलोसिटी जीरो नहीं है बल्कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये नॉन जीरो है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे और एक और जो है केस देख लेते हैं। चलिए मान ले कि यहां पर ये जो एक्सिस है ये तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्सिस है ये एक्सिस जो है यहां पर ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। सो यहां पर ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो है ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। और ग्राफ जो है ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड है, यहां पर ये जो ग्राफ है ये ग्राफ मान ले कि यहां पर ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड है, ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे प्लॉटेड है। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या बता रहा है? देखें क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और देखे तो समय के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने यहां पर दो पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट यहां पर और दूसरा पॉइंट यहां पर। अब अगर जो टाइम इंटरवल है वो कुछ इतना है, सो यहां पर ये होगा टाइम इंटरवल, तो यहां पर ये रहा टाइम इंटरवल, और इतने से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो देखे कितना चेंज हुआ, तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो वेलोसिटी में कुछ इतना चेंज हुआ। तो अगर इतने से टाइम इंटरवल में चेंज होने से वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ तो यहां पर एक्सेलरेशन है। अगर इस एक्सेलरेशन को नाम दे देते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है ये है a1। अब इसी तरह से अगर हम दो पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं, चलिए एक पॉइंट यहां पर हो गया और दूसरा यहां पर ये हो गया, जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम रहेगा, ये ध्यान में रखें। तो जो टाइम इंटरवल है वो यहां से लेकर के यहां तक है, ये होगा टाइम इंटरवल जो कि यहां पर था। अब इस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो वेलोसिटी में चेंज देखें तो वो वेलोसिटी में चेंज कुछ इतना हुआ इतना। सो यहां पर ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ ये बराबर होगा यहां पर वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये कंसीडर कर ले कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो a2 है तो फिर बराबर समय में बराबर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन a1 होगा ये बराबर होगा a2 के। और ये ध्यान में रखें कि जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव है, सो वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव है, और ये जो एक्सेलरेशन है इस केस में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टाइम इंटरवल है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में बराबर चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो यहां पर कांस्टेंट होगा। सो ये कांस्टेंट होगा, ये ध्यान में रखें। अगर आप इसके मोशन को समझना चाहें तो मान ले कि यहां पर ये एक बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो
तो इसका जो वेलोसिटी है वो लगातार इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर एक एक्सेलरेशन है जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो उसी रेट से जो है इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। अब यहां से हम एक और अलग केस देखेंगे, वो केस जो है वो इसी से मिलता जुलता रहेगा। चलिए, उस केस में होगा ये कि ये जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव नहीं होगा। इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो एक्सेलरेशन है, ये ध्यान में रखें कि ये एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव है। सो ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, ये ध्यान में रखें। अब एक और केस देखेंगे जिसमें कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। तो मान ले कि यहां पर ये जो एक्सिस है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो एक्सिस है ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। और जो ग्राफ प्लॉट है, जो ग्राफ प्लॉट है वो ग्राफ जो है वो ग्राफ यहां पर मान ले कि वो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट है, कुछ इस तरह से है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस समय जब टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहां पर कुछ इतना है, फिर कुछ देर बाद आप देख रहे हैं तो वेलोसिटी कुछ इतना हो गया, घट गया, और कुछ देर बाद देख रहे हैं तो वेलोसिटी घटते जा रहा है और अंततः जो है ये जीरो हो जा रहा है। सो वेलोसिटी घट रहा है। अगर वेलोसिटी घटता जाए तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका जो मोशन है, इसका मोशन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, लेकिन समय के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो घटता जा रहा है। शुरू शुरू में क्या है, शुरू शुरू में ये बहुत तेज है लेकिन धीरे धीरे ये घटता चला गया और अंत में रुक गया। फिर से यहां पर बहुत तेज है और धीरे 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 इसका जो इस वेलोसिटी है, मुझे कहना चाहिए कि वो स्लो होता गया, धीम होता गया और ये अंत में रुक गया। सो वेलोसिटी घटता गया और अंततः रुक गया। तो जब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी जो है वो घटते जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होगा। सो यहां पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखें, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ये निगेटिव होगा और ये कांस्टेंट भी होगा। सो ये कांस्टेंट होगा लेकिन निगेटिव होगा, और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में इसका मोशन है। सो ये जो है ये वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव होगा। अब यहां से एक और जनरल सा केस देख लेते हैं। वो जनरल केस ये है कि चलिए कंसीडर कर लेते हैं एक बार फिर से कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी को, और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि हम इसके बाद एक और केस देखेंगे तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से अभी से जो है इसे कॉपी कर लेता हूं। सो मैं यहां से इसे कर ले रहा हूं कॉपी और मैं यहां पर इसे कर देता हूं पेस्ट। चलिए, ग्राफ जो है ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड है, कुछ इस तरह से। अब इसका जो स्लोप है वो इंडिकेट करेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा किसी एक पॉइंट में। अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं यहां पर, तो यहां का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो यहां पर स्लोप होगा वो इंडिकेट करेगा एक्सेलरेशन को। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है कुछ ऐसे इस पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट होगा ये इंडिकेट करेगा कि यहां पर इसका एक्सेलरेशन क्या है। देखिए, समय के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अर्थात तो मुझे कहना चाहिए कि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, क्या एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा ये हमें देखना है। तो अभी यहां पर इसका स्लोप कुछ है, अगर हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखना चाहें तो हमें क्या करना है, हमें यहां भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ये रहा टेंजेंट। तो अभी अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो चढ़ाई है वो कम है और यहां पर चढ़ाई ज्यादा है। सो स्लोप जो है इस जगह पर ज्यादा है जबकि स्लोप जो है इस जगह पर कम है, ढलान यहां पर कम है। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना
कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि यहां का एक्सेलरेशन a1 है और यहां का एक्सेलरेशन a2 है, तो फिर यहां पर ये जो a2 होगा, ये a2 बड़ा होगा, a2 बड़ा होगा a1 से। सो लगातार जो है यहां पर वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, जिससे यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ये बढ़ता जा रहा है। वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाए और एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको इस ग्राफ में समझ में आएगा। चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि इस केस में जो ग्राफ प्लॉटेड है, जो ग्राफ प्लॉटेड है, वो ग्राफ जो है वो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड है, कुछ ऐसे। चलिए मैं इसे एक बार ठीक से ड्रॉ करता हूं। कुछ ऐसे यहां पर ग्राफ प्लॉटेड है, कुछ ऐसे। तो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड है, अगर आप ध्यान से देखें तो समय के साथ साथ वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप जो है वो घटता जा रहा है। इस केस में क्या था, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा था और साथ ही साथ स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस केस में समय के साथ वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन स्लोप घटता जा रहा है। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, चलिए अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पर जो टेंजेंट होगा वो इंडिकेट करेगा एक्सेलरेशन को। सो यहां पर ये रहा टेंजेंट। इसी तरह से अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लें, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पर ये जो टेंजेंट होगा ये इंडिकेट करेगा एक्सेलरेशन को। सो ये रहा। तो अगर अभी आप ध्यान से देखें तो चढ़ाई कहां पर ज्यादा है, स्लोप कहां पर ज्यादा है, स्लोप यहां पर ज्यादा है और यहां पर रिलेटिवली कम है। तो अगर यहां पर हम मानते हैं कि यहां का एक्सेलरेशन ए वन है, यहां का जो एक्सेलरेशन है ये ए वन है, सो ये एक्सेलरेशन ए वन है और यहां का एक्सेलरेशन ए टू है, तो फिर यहां पर चढ़ाई ज्यादा है और यहां पर चढ़ाई कम है, तो यहां पर ए वन जो है ये ए वन, ए वन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ए टू से। तो यहां पर ये रहा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।